हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोड़ा। टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, किससे डेविएशन दिए जाएंगे? फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशंस लिए जाएंगे उनके स्क्वायर का मीन होगा, उनके स्क्वायर का मीन होगा। ओके, इसको स्मॉल सिग्मा में डिनोट करते हैं, और एच डी इक्वल टू इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। इसको फार्मूले में अगर बताएं तो एच डी इक्वल इन स्क्वायर रूट वेरियंस, और एच डी स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस। तो ये पता किया जाता है कि किस तरीके से न्यूमेरिक डाटा स्प्रेड है इस सीरीज में, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इंडिविजुअल सीरीज है और आपको वेरियंस दिए गए हैं, और हम एग्जैक्ट इसका मीन निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स बाई एन करके, तो ये 44 आता है। 44 से हमने डेविएशंस लिए, प्लस माइनस लेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इग्नोर नहीं करना है। और उसका स्क्वायर करा क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर हमको चाहिए, और उसका सम करा हमने तो मीन निकाला। मीन से हमने डेविएशन लिखे, डेविएशन का स्क्वायर का कॉलम बनाया, उसको हमने समेशन करा बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है, बाय 10 एच डी निकाल लिया, रूट में रख के। कोफिशियंट ऑफ एच डी क्या होता है? एच डी बाई मीन होता है, एच डी बाई मीन, मीन लगा दिया एच डी बाई मीन। इस तरीके से नोट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये आइडियल मेथड कहलाता है डिस्पर्जन का। वो इसलिए क्योंकि अगर हम जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसमें प्लस और माइनस इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसलिए वो आइडियल नहीं, ये आइडियल है। दूसरा, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाला जाता है डिस्पर्जन में, रेंज भी निकाली जाती है, लेकिन वो सब बेस्ड होते हैं 50% आइटम के ऊपर। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सारे आइटम्स का को कंसीडर करता है, इसलिए इट इज़ द बेस्ट, और इसमें प्लस माइनस साइन भी इग्नोर नहीं किए जाते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट फॉर द डेविएशन, फॉर द डिस्पर्जन। अगर इसको ही हम शॉर्टकट में लगाते हैं तो मीन वही रहेगा, और हम लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं तो मीन एग्जैक्ट ना देते हुए एक सेंट्रलाइज वैल्यू ले लेते हैं, जिससे कि डेविएशन निकालते हैं, मीन नहीं निकालते हैं। तो हमें 40 से हमने डेविएशन दिए हैं, एग्जैक्ट मीन से नहीं निकालते, शॉर्टकट मेथड से निकाल लें, तो एक सेंट्रलाइज वैल्यू से डेविएशन निकाल लिया, इसलिए डेविएशन की वैल्यू आई, सिग्मा डी एक्स आया, और डी स्क्वायर एक्स करके निकाला हमने उसको। एच डी का फार्मूला रखा, चूँकि सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन रखा हमने, इसमें एक्स आ जाता है क्योंकि डेविएशन एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल मीन से नहीं है, इसलिए एक्स आ जाता है। और चूँकि इसको करेक्शन करना है, इसलिए माइनस सिग्मा डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर करा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल मीन से नहीं है। इसको शॉर्टकट में लिखा जाए तो 1/n बाहर निकाल के इसको सॉल्व कर लिया जाता है, ये फार्मूला फॉर्मुलेट होके आता है। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, इसलिए ब्लैक वाले जो कॉलम बनाए इसी के पर्टिकुलर बनाए गए कि 40 से मीन लिया गया और उनका स्क्वायर किया गया, समेशन किया गया, और यहाँ वैल्यू रख के निकाला गया, मीन वही रहेगा। लेकिन हमने मीन निकाला नहीं इसके लिए, हमने अनएक्चुअल ऑर्बिट्री मीन से ही निकाल के करा है, और कोफिशेंट जो पहले निकाला था निकालेंगे वही कोफिशेंट यहाँ पर होगा, क्योंकि ना तो मीन की वैल्यू बदलेगी ना तो एच डी की वैल्यू बदलेगी, एच डी की वैल्यू भी इस फॉर्मूले से वही आएगी, हर फॉर्मूले से वही आएगी। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो वैल्यू वेरिएबल दिए गए हैं, फ्रिक्वेंसी दी गई है, और एफ एक्स कर लिया हमने, डी एक्स डी निकाल लिया, डी स्क्वायर निकाल लिया, एफ डी स्क्वायर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि सबसे पहले इसमें वेरिएबल दिए थे और फ्रीक्वेंसी दी थी, तो हम सबसे पहले मीन निकालना चाहेंगे, मीन निकाल लिया, एफ एक्स करना पड़ेगा, इसलिए मीन निकाल लिया। अब हम
इसके लिए डायरेक्ट हमने शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो एफ डी स्क्वायर चाहिए, उसके लिए पहले डी स्क्वायर चाहिए, उसके लिए पहले डी चाहिए। तो हमने ये मीन्स है, एग्जैक्ट मीन्स है, हमने डेविएशन किया, डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर करा और एच डी निकाल लिया। एच डी निकालने के बाद उसको कोफिशियंट एच डी बाई मीन से निकाल लिया। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से करना है तो हमने देखिए डेविएशन जो दिया गया 6 नहीं दिया गया, हमने मीन निकाला ही नहीं, और अनएक्चुअल मीन से, आर्बिट्री मीन से, एक बीच की वैल्यू से हमने ये डेविएशन से ले लिया। ये 6 नहीं लिया बल्कि 8 से ले लिया, यहाँ से ले लिया हमने। ये डेविएशन आए एफ डी एक्स करा और एफ डी स्क्वायर एक्स करा और एच डी निकाल ली, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये शॉर्टकट मेथड है और एक्चुअल मीन से नहीं निकाला जाएगा। कोफिशियंट वैसे ही होगा जैसा कि पहला क्यों था, क्योंकि फार्मूला वही है और मीन निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मीन निकाला इसलिए जाएगा क्योंकि कोफिशियंट ऑफ एच डी निकालने के लिए बाई मीन करेंगे, एच डी बाई मीन करा जाएगा इसलिए निकाला जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर कंटिन्यूस सीरीज है सारे कॉलम ऐसे ही बनेंगे, सारे कॉलम ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर मीन हमने शॉर्टकट मेथड से निकाल लिया बल्कि स्टेप डेविएशन से निकाला है, तो इसलिए स्टेप डेविएशन को लिए हम डी एक्स बाई आई कर देते हैं। एक कॉलम और बढ़ जाता है डी एक्स बाई आई, एक कॉलम डी एक्स बनना चाहिए और उसके बाद डी एक्स डी आई एक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली बना दिया गया तो ये डी आई एक्स है, चूँकि आई निकाल लिया गया था इसलिए आई से मल्टीप्लाइड कर दिया गया था यहाँ पर, तो इसलिए इस तरीके से स्टेप डेविएशन से हमने मीन निकाला। लेकिन एच डी हमने जो है वो एच डी हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन से निकाला है डायरेक्ट। अगर इसी को हम एच डी को भी हम स्टेप डेविएशन से निकालेंगे तो फार्मूला जो कि पहले था उसमें आई कॉमन ली, चूँकि हमने अभी स्टेप डेविएशन जो डेविएशन से निकाला स्टेप डेविएशन से निकाल लिया इसको और डिवीजन को और छोटा कर दिया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमने एच डी के फॉर्मूले में आई कॉमनली मल्टीप्लाई कर दिया और ये डॉट जो एफ सिग्मा एफ डी आई स्क्वायर एक्स लिखा है वाई एन, तो ये इसी डी कॉलम बना है, ये वहाँ पर कॉलम बना था स्टेप डिवीजन का। इसी तरीके से इसमें जो करेक्शन फिगर है उसको सिग्मा एफ डी आई एक्स बाई एन का होल स्क्वायर से करा है। इसी का सेम फार्मूला ये है, इसको बस थोड़ा सा करेक्ट इसको थोड़ा फॉर्मुलेट कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। आई बाई आई तो है था ही बाहर और एन भी बाहर आ गया, आई बाई एन बाहर आ गया, तो इसी के लिए ये कॉलम बने हैं राइट। डी आई एक्स कैसे आया है, डी एक्स से आया है। इसमें डी में डी एक्स जो था उसमें हमने डिवाइड करके निकाला है, हमने यहाँ पर डेविएशन जो है वो 5 से दे लिया है, 5 या -1 -2 -3 इसीलिए इस तरीके से हो गया है राइट। अगर हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया था कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हैं, उनका मीन ये है, उनका एच डी ये है, और नंबर ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन इतने हैं, उनका मीन और एच डी ये है, तो इनका हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। तो सबसे पहले इनका कंबाइंड मीन निकालेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, मीन फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकंड, मीन सेकंड, और कुल टोटल ऑब्जर्वेशन नीचे रखेंगे, इससे पूरा एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी जिससे कि हम एक्चुअल कंबाइंड मीन निकाल पाएंगे। ये निकालिए 44 आता है। अब इस 44 से फर्स्ट मीन का डिफरेंस देखा और सेकंड मीन का डिफरेंस देखेंगे, तो फर्स्ट मीन का डिफरेंस D1 फर्स्ट मीन से कंबाइंड मीन का डिफरेंस देखा, कंबाइंड मीन 44 लेस करा 50 से जो कि यहाँ बताया जा रहा था। अब ये D2 देखेंगे X2 से इस कंबाइंड मीन में, तो 40 माइनस 44 हो गया, ये आ गया। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, N1 और N2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे रखेंगे, ये आपका रूट लगेगा, ये देखते हैं वेरिएंस कितना है कुल एग्रीगेट, कुल टोटल हम वेरिएंस मालूम कर लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्रीगेट से डिवाइड करके उसका रूट निकल लेते हैं। तो इन वेरिएंस देखने के लिए एच डी स्क्वायर और एच डी स्क्वायर फर्स्ट और
डेविएशन जो डिफरेंस है फर्स्ट का स्क्वायर ले लेते हैं तो वेरिएंस आ जाता है, मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो फर्स्ट का जो वेरिएंस है वो हो जाएगा, इससे सेकेंड का वेरिएंस आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते इसको आते हैं और ये हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। एस डी 1 2 मतलब एग्रीगेट दोनों का है, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, अगर एस डी बाई मीन कर दिया जाए तो ये कोफिशियंट ऑफ एस डी होता है, और सी वी के लिए बस इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो वो सी वी हो जाता है, ये परसेंटेज में आता है। ये तो फार्मूला बताया था वेरियंस, और वी इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर स्टार्टिंग में बताया था कि एस डी इज इक्वल टू रूट में वेरिएशन स्टार्टिंग में बताया था। एक चीज़ ये है कि जो डिस्पर्जन निकाला जाता है वो क्यू डी एस डी एम डी सब में निकाला जाता है, मीन डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में और क्वार्टाइन डेविएशन में। इनमें आपस में क्या संबंध है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन दोनों में रिलेशन से निकालने के लिए, तो ये बस याद रखें 6 QD इज इक्वल टू 4 SD इज इक्वल टू 5 MD। इनमें कोई भी दो चीज़ें के बीच में रिलेशनशिप स्थापित की जा सकती है, और उसका हमने ये कन्वर्ट करके फार्मूला, अगर 1 यूनिट के बराबर है तो उसको इस तरीके से QD इज इक्वल टू 2/3 SD, इसी फार्मूले से ये सब फार्मूले आ जाएंगे। थैंक यू।